भगवान परशुराम हर साल की तरह ढांगरी से यहाँ पर भगवान परशुराम जन्म उत्सव पर यहाँ ढांगरी से एक रैली का आयोजन किया जाता था, जो ढांगरी से होते हुए राजौरी से वापस जो ढांगरी पर संपन्न होती। इस बार जो है हमारी जो रैली है ढांगरी, जो 1 अप्रैल को यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था उसके कारण जो हम जो है वो रैली नहीं, उत्सव नहीं मना रहे हैं। हमें जो हमारे जितने भी परशुराम जो भगत देख रहे हैं, आप उनके चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि आज शाम को यहाँ पर जागरण किया जा रहा है और कल सुबह 6 बजे जो हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे शास्त्रीय आचार्य आएंगे और वो जहाँ आकर जप करेंगे और जितने भी हमारी अकाल मृत्यु जिन लोगों की यहाँ हुई है वो सभी सुबह 6 बजे अपने अपने चित्र लेकर वो हमारे परशुराम मंदिर में पहुँच जाएंगे, ताकि हमारे जो जितने भी आचार्य लोग आ रहे हैं वो कल जप करेंगे, पूजा करेंगे और जितना भी जो पुण्य होगा जो भी है उन आत्माओं को जो है अर्पण किया जाएगा जिन्होंने अकाल मृत्यु जो जो हमारे किए। उसके बाद भव्य भंडारे का जो आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर, भंडारे के बाद जो है यहाँ पर हम पहली बार जो यहाँ पर परशुराम जी जो हमारी संस्था है जो हमारी ब्राह्मण सभा राजौरी पुंछ की ओर से 101 बच्चों को यहाँ पर हम जो है शास्त्र जो है शास्त्रार्थ करवाने जा रहे हैं, जिसकी हमारी कल से जो हमारी एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी परशुराम भगत हैं या जो भी अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करवाना चाहते हैं, टाइमिंग हमारी 1 घंटे के बीच शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जो हमारे शास्त्रीय वो आ जाएंगे और सभी बच्चों को जो है हमारे जो 101 बच्चों को हमने जो है वो तैयार करा शास्त्र जो हमने बताना। देखिए ये मैं आपको बताता चलूँ कि पूरी हमारा जो इस समय भी हमारा जो पूरा जो विश्वास है, हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी से वो जल्दी से जल्दी कब हमें खुशखबरी देंगी, लेकिन आप ये मत समझें कि हम जो चुप करके यहाँ पर बैठ गए हैं। आपको बताते चलें कि इस समय जो है गेहूँ का सीजन चल रहा है हमारा, तो बस कुछ ही दिनों तक हमारे मक्की जो है वो जो हो जाएगी। तो मैं आपको ये बताता चलूँ आपके चैनल के माध्यम से डायरेक्टली जो हमारे यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी इस चैनल को देख रही है कि मैं 1% भी अपने इलाके की रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर उससे पहले जो अगर इंसिडेंट का शॉर्ट आउट नहीं हुआ तो मजबूरन हमें जो हमारे घर जितने भी हमें कैंप लगाना पड़ेगा और लोग जितने भी हैं, मैं कोई 1% भी रिस्क नहीं लूंगा, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ।